डैमेजेज असेसमेंट फॉर स्कूल्स ड्यू टू फ्लड रेन और IDP के लिए आप अपना डेटा कलेक्शन मोबाइल के थ्रू वेब फॉर्म को ओपन करके, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस वीडियो के साथ, भी सबमिट कर सकते हैं। जिसका सिंपल प्रोसेस यह है कि उस लिंक को आप अपने मोबाइल पे ओपन करें, अपना सेमिस कोड एंटर करें और उसके बाद नीचे वाली एप्लीकेशंस, नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट करें और सेव कर दें। लेकिन अगर आप फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, तो आप अभी से अपनी एप्लीकेशन मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको डाउनलोड आप यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड एंड्रॉयड ऐप प्लीज़ क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, जिसको आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर फील्ड में जाके आप इसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने ये डाउनलोड कर रहा हूँ, इसके बाद अगर मेरा वहाँ पे इंटरनेट नहीं भी अवेलेबल होगा तो फिर भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे डाउनलोड होती है तो फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जी, जब मेरी एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पर डाउनलोड होगी तो मैं उस पर क्लिक किया तो मुझे ये इंस्टॉल की ऑप्शन दे रहा है, मैं इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। जब मेरी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर मैं आप इसके थ्रू डेटा सेंड कर सकता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है तो इसको मैं अब ओपन करूँगा तो मुझे सबसे पहले वो ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि अभी मेरी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। नीचे मेरे पास प्लस का बटन होगा, इस पर मैं इसको परमिशन को आप अलाउ करेंगे। अगर आपके पास वहाँ पे उस एरिया में इंटरनेट अवेलेबल है तो आप सेमिस कोड 408060223 इसको मैं सर्च कर लूँगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरा इसके अगेंस्ट कौन सा स्कूल आ रहा है। तो अगर वो इंटरनेट नहीं होगा तो आप इसको सर्च नहीं करेंगे, सिंपली आप आज की डेट एंटर करेंगे जिस टाइम पे आपने विजिट कर रहे हैं जिस डेट को, उसके बाद आप डैमेज असेसमेंट करेंगे, बिल्डिंग का बताएंगे कि कम्प्लीटली डैमेज हुई है, रूम पार्शली डैमेज हुए हैं, बॉडी बाउंड्री वॉल टॉयलेट रूफ फ्लोर, उसके बाद आप कलेक्टर का या हेडमास्टर का नाम लिखेंगे। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि उसका प्रॉपर नाम सिर्फ लिखें, इसके बाद उसका CNIC होगा, उसके बाद इसका मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अप टू 5 पिक्चर्स की ऑप्शन आ जाएगी। अब वन बाई वन पिक्चर क्लिक करने के लिए आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कैमरे पे टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, टेक फ़ोटो पे आपके पास ये आपके पास मोबाइल ओपन का कैमरा ओपन हो जाएगा। आप इसके कैमरे को क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। इसी तरह फिर दूसरी पिक्चर अगर आपने कैप्चर करनी है तो स्कूल के डिफरेंट पार्ट्स की, डिफरेंट एरियाज़ की आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर फॉर्म को वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई भी दोबारा कर सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आपने जो फिल की है वो ठीक की है या नहीं की, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट में वो पहले पूछेगा आपसे कि क्या आपको इसको वाकई सबमिट करना चाहते हैं, अगर आपका डेटा वेरीफाई है तो जैसे सबमिट करेंगे तो सक्सेस आएगा। तो ये फाइनलाइज्ड फॉर्म है आपके पास, फाइनलाइज्ड फॉर्म आपके पास दोबारा से एडिट नहीं होते, आपके पास अब एडिट की परमिशन नहीं है। अगर आपके इनकम्प्लीट सेव हुए हैं तो उनको आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं। जब आप वापस अपने उस एरिया में आएंगे जहाँ पे आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप वहाँ से सिंक कर दें। जब आपका फुली सिंक हो जाएगा तो ये सक्सेस का मैसेज आएगा, तो आपका ये सिंक हो चुका होगा। और अगर किसी वक्त आपके पास इंटरनेट का मसला आएगा तो आपके पास एरर आ जाएगा, तो आप उसको दोबारा ट्राई करेंगे तो वो सिंक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।